नमस्कार सभी को। आप सभी को आज बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा जो कि वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, जिस दिन भगवान बुद्ध का या यूँ कहें कि जो कि आध्यात्मिक जो गुरु हैं उनमें से एक हैं, जिन्होंने सत्य और आपको जो विचारों से और विवेक से सोचने की शक्ति प्रदान करते हैं, जो इन महत्वपूर्ण तथ्यों को आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम आपस में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप सभी को ज्ञात होगा कपिलवस्तु जो स्थल है और बुद्ध के बहुत महानतम उद्देश्यों में से आप सभी अपने जीवन में किन किन विचारों को अपनाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो हमें अपनानी चाहिए वो है कि उनका मानना था या उनका एक महत्वपूर्ण उपदेश था कि क्रोध जो है वो आपके विवेक को नष्ट कर देता है। तो क्रोध के समय पर आप सभी को संयम से कार्य लेना है, क्योंकि उनका मानना था कि आप कभी भी क्रोध जो है वो आपको दंडित करे, पाप जो है वो क्रोध के कारण होगा और क्रोध जो है वो ही आपको दंडित करेगा। महत्वपूर्ण जो विचार है उनके उसमें कि भाई आप घृणा को घृणा से कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, घृणा को सिर्फ और सिर्फ प्रेम से समाप्त किया जा सकता है। तो किसी से घृणा नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति उसको बताया उन्होंने कि भाई आप जब किसी दूसरे के दुख से जब आप दुखी होते हैं तो आप महानतम व्यक्तियों में से हैं, आपके हृदय का जो अनुभूति का तत्व है वो जीवित है। तो कोशिश करें कि किसी की दुख में पीड़ा में आप उसकी मदद कर पाएं, आप जो कहेंगे क्रोध को नियंत्रित कर पाएं, और जब आपके अंदर नकारात्मक विचार जो हैं वो घर कर जाए तो कोशिश करें कि भाई आप उन नकारात्मक विचारों को दूर करके उनके स्थल पर सकारात्मक विचारों को व्यवस्थित कर पाए, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी इन महत्वपूर्ण चीज़ों को अपने जीवन में उतार करके आप उपलब्धि के शिखर तक पहुँच सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।